तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के ऊपर, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे एक सब्सक्राइबर के ऊपर, जिनका नाम है सरकारी चुतिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ उनको घर पे इनका ये असली नाम नहीं होगा, पर उनका ये प्रोफाइल पे नाम था तो मैंने देख लिया, बता दिया आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको अंडमान निकोबार की सब चीज़ें बताऊँगा, आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एक विजिटर वहाँ जाने से पहले पूछना चाहता था या शायद पूछेगा, तो उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके होटल के बारे में, आप कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या आपको एटनरी में घूमना है, कितने दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए, और प्लस आखिरी में एक इम्पॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि आपको बीच में पहले समझना पड़ेगा उस मेरे आंसर को समझने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो शायद आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंडमान एंड निकोबार इंडिया की 7 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो आपको बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन है। इसका एरिया यानी जो इसका क्षेत्रफल है वो इनका हिंदी में बोलूँ तो 8000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन 2012 के अनुसार है 380,000। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है। अब आपकी जो प्लान करनी है वो ट्रिप की, वो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बात करूँगा फ्लाइट के बारे में, यानी होटल के बारे में। फर्स्ट, अगर आप न्यू दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं फ्लोट बेयर के लिए जो वहाँ की कैपिटल है, देन आपको पे करने होंगे वन ट्रिप के लिए, सिंगल ट्रिप, राउंड ट्रिप नहीं, ध्यान रखें इस बात का। और जो मैंने डेट चूज़ की है वो 15 अगस्त है। सिंगल ट्रिप के लिए आपको पे करने होंगे 5000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप सेम डे की फ्लाइट मुंबई से लेते हैं देन आपको 9000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 9000 एक्चुअली बेस्ट प्राइस है। अगर आप चीपेस्ट में जाएंगे जो 13 घंटे लेगी तो आपको 6000 रुपीज़ के आसपास देने होंगे। यानी कि अगर आप इसको राउंड ट्रिप में करते हैं तो आपको 12-13000 आराम से देने होंगे इस राउंड ट्रिप के लिए, मुंबई से पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ की कैपिटल है। बट अगर आप सेम फ्लाइट कोलकाता से लेंगे तो आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। कोलकाता के लिए चीपेस्ट प्राइस है 3000 रुपीज़, 3400। तो अगर आप यहाँ से राउंड ट्रिप लेंगे तो आपको आराम से 6-7000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो दिल्ली और बॉम्बे दोनों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। देन अगर चेन्नई की बात कर ले तो चेन्नई के लिए आपको भी काफ़ी कम पे करना पड़ेगा, लगभग 4000 रुपीज़ आपको उस दिन पे करने पड़ रहे हैं। तो राउंड ट्रिप के लिए आपको 8-8500 रुपीज़ आराम से पे करने होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कहाँ से लेते हैं, कौन सी डेट पर लेते हैं फ्लाइट। अगर फ्लाइट के अलावा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे जाना है तो आप चेन्नई या कोलकाता से शिप ले सकते हैं, यानी आप वहाँ पे क्रूज़ ले सकते हैं। बट क्रूज़ जो टाइम लेती है वो है 48 आवर्स से लेकर 50 घंटे तक, जो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कोलकाता में नहीं रहते हैं तो आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से शिप लेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो इसको बताने का मतलब नहीं है, अनलेस अनटिल आप कोलकाता या चेन्नई में रहने वाले हैं तो। देन अगला सवाल जो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि पूछ रहे थे, ये कि वहाँ पे कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, आपको पासपोर्ट या वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया का पार्ट है। अब इंडिया के पार्ट में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा थोड़ी ना लगेगा। फ्लाइट की बात कर लेते हैं आपके होटल की, रहने की, अकोमोडेशन की यहाँ तक बात करें तो आपको अगर आप वहाँ के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे तो आपको काफ़ी चीप पड़ेगा प्राइस। 15 अगस्त की डेट चूज़ की है मैंने, और खाली एक दिन का प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको 1600 रुपये में मिल जाएगा। 1600 रुपये इज़ लाइक नॉर्मल प्राइस। अगर आप और बजट में जाना चाहते हैं तो आपको 700, 800, 900 में भी यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो 800, 900 वाले होटल अच्छे रहेंगे। देन अगर आप डिसाइड करते हैं हैवलॉक आइलैंड में अपना स्टे करने के लिए, देन आपको सबसे ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि हैवलॉक आइलैंड थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर ऑफकोर्स रिसोर्सेज नहीं पहुँचते हैं, जैसे पानी हो गया, खाना पीना हो गया, तो इस सब के लिए पर पर्सन को ज़्यादा पे करना होता है। तो आप होटल के लिए भी कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा कैपिटल सिटी के मुकाबले, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 2000 रुपीज़, 1600 रुपये, 1800 रुपये, 3000 रुपये आपको पर नाइट के देने होंगे, जो वहाँ के हिसाब से नॉर्मल रेट हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हैवलॉक में ज़्यादा प्राइस देना है बजाय वहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के। अब अंडमान आइलैंड पर आप पहुँच गए हैं, पर आपको ट्रैवल करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, आपको और भी चीज़ें देखनी है, तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे। अब गेटिंग अराउंड के लिए आपको शिप्स, फेरीज और बोट्स वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी, और एक्चुअली वहाँ का ओनली ऑप्शन भी यही है कि आपको अगर दूसरे आइलैंड से एक आइलैंड जाना है तो आपको फेरीज या बोट्स का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। देन साउथ, नॉर्थ, मिडल अंडमान पर जाने के लिए भाई आपको फेरीज लेनी पड़ेगी, और फेरीज वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी थ्रू लोकल स्पॉट्स जो वहाँ के हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बेस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर एक्सप्लोर करना है वो होता है नवंबर से लेकर मिड मई पे। अगर आप मानसून पे जाएंगे, जैसे कि अगर आप अभी जाते हैं तो इट्स ओके, अगर आप जून जुलाई में जाने की सोचते हैं जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है, मानसून स्टार्ट हो चुका होता है, तब बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि ऑफकोर्स पूरे टाइम बारिश होगी, फेरीज चलेंगी नहीं चलेंगी और मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस वजह से आप जा रहे हैं अंडमान निकोबार वहाँ की बीचेस को देखने के लिए, वहाँ की सनशाइन को देखने के लिए, वहाँ की एनवायरनमेंट को देखने के लिए, वो सब एक तरह से ख़राब हो जाएगा बारिश की वजह से। बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसकी और उनका कितना प्राइस है और उनका टाइमिंग क्या है, मैं आपको सब बारी बारी करके बताता हूँ। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की सज़ा भी बोलते थे, आप सबने, मैंने भी स्कूल्स की किताबों में पढ़ा है, इसकी जो लोकेशन है वहाँ पे वो है पोर्ट ब्लेयर, उनके यहाँ की कैपिटल पे, और जी बी पंत हॉस्पिटल के पास में है। इसका ओपनिंग आवर्स सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के मतलब नून 12 बजे तक, देन 1 बजे से शाम के 4:15 बजे तक है, 4:15 तक। एंट्रेंस फीस यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपये इंडियन रुपीज़ ऑफकोर्स। अगर आपको कैमरा यूज़ करना है, अगर आप नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 200 रुपीज़ तक देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो कैमरा, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है वहाँ पे तो आपको 1000 इंडियन रुपीज़ पे करने होंगे। देन सेलुलर जेल की तरह ही एक और जेल है जिसका नाम है वाइपर चेन गैंग जेल। इसको ब्रिटिश ने बनाया था 1858 में। इस जगह को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी एज ए प्रिजनर जाता था वो कभी ज़िंदा बाहर नहीं आया आज तक, इंक्लूड पुरी के जो महाराजा थे ब्रिज किशोर सिंह, वो उनकी भी मौत यहीं पर हो गई। तो एज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हमारे इंडिपेंडेंस को देखा जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, एक बार तो ऑफकोर्स आपको जाके देखना ही चाहिए ये। देन अगर आपको इंडिया का सबसे खूबसूरत बीच, एशिया का सबसे खूबसूरत बीच और टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड का 7th सबसे खूबसूरत बीच देखना है, दादा नगर बीच, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जाएं, एक बार ज़रूर देखें। यहाँ का सबसे बड़ा जो बीच है, बीच नंबर 7, वो 12 किलोमीटर लंबा है, और जब इतनी तारीफ़ें लोगों ने की है, दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने इसकी तारीफ़ की है, तो अगर आपको एक दादा नगर बीच तो जाना ही बनता है। ये हैवलॉक आइलैंड पे है। अब यहाँ जाने के लिए अगर आपको पोर्ट ब्लेयर से यहाँ से आप सी प्लेन ले सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पे 2 क्रूज चलाती है दिन की, आप वो ले सकते हैं, उसको लेके आप हैवलॉक आइलैंड पे जाके दादा बीच को देख सकते हैं, दादा नगर बीच को देख सकते हैं एंड अगर आपको ट्रैकिंग, नेशनल पार्क्स, ये सब चीज़ें पसंद है, आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया के सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क माउंट हैरियट नेशनल पार्क में एक बार ज़रूर जाएं। इसका जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक है, सनसेट होने से पहले चले जाएं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि अंडमान जो मेन आइलैंड है इससे थोड़ा अलग है, थोड़ी दूरी पर है, तो आपको फेरीज लेनी पड़ेगी अगर आप जाने में सुपर इंटरेस्टेड हैं तो, पर ये वर्थ होगा एक बार। जो उसकी फ़ी है वो इंडियंस के लिए 25 रुपये पर पर्सन है। अगर आप कैमरा अपने साथ में ले जाएंगे तो आपको 25 रुपये कैमरा के लिए देने पड़ेंगे, साथ में आप वहाँ जाके सफारी बुक कर सकते हैं। बेस्ट टाइम आपको अगर नेशनल पार्क में जाना है तो बेस्ट टाइम होता है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड जा रहे हैं तो एक बार इस जगह पर ज़रूर जाएँ, ट्रैकिंग करेंगे, आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन अगर आप एक नेचुरल वंडर को देखना चाहते हैं जो स्पेसिफिकली आपको सिर्फ अंडमान आइलैंड पे ही देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ की लाइमस्टोन केव्स को जाके एक बार देखें। वहाँ पे टोटली 41 केव्स हैं, जिसमें से आप 41 ऑफकोर्स नहीं देख सकते हैं, आप थोड़ी ही केव्स देख सकते हैं क्योंकि बाकी सब केव्स काफ़ी नैरो हैं, और इनका स्पेशलिटी ये है कि ये बारिश के टाइम पे अपना शेप चेंज कर लेती हैं। इनको हम एल्फर्ट केव्स भी बोलते हैं। अब एल्फर्ट केव्स पे पहुंचने के लिए आपको पहले कालाराहा जंक्शन पहुंचना पड़ेगा, जिससे आप पहले पहुंच, उसके बाद आपको पहुंचना पड़ेगा कालाराहा जंक्शन से रामनगर। रामनगर के लिए आप बस ले सकते हैं डिगलीपुर के लिए। अब डिगलीपुर से आप रामनगर उतर जाएंगे, देन वहाँ से आपको गाइड लेना पड़ेगा। गाइड के बिना आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऑफकोर्स आपको पहले फॉरेस्ट में 1 घंटे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको केव्स मिलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास गाइड एक बार रख लें। टाइमिंग ट्यूजडे से संडे है, और बेस्ट टाइम जो होता है साल में लाइमस्टोन केव्स को देखने के लिए वो है अक्टूबर से मार्च के बीच में। अंडमान आइलैंड्स पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जो आपको ऑफकोर्स देखनी चाहिए, बट बहुत सारे बीचेस भी हैं वहाँ पे जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। उनका मैं नाम फटाफट आपको बता देता हूँ क्योंकि अगर मैं खाली एक्टिविटीज़ पर वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं खाली एक्टिविटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखने के लिए आप यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, पैरासाइलिंग कर सकते हैं,
सी वॉक कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे तो देख लीजिए आप, वो कर सकते हैं लाला जी बे बीच, वंडूर बीच, देन आप जा सकते हैं नेशनल म्यूजियम, डोज एंड स्मिथ बीच, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, अंडमान आइलैंड पे जा सकते हैं, फिशरी म्यूजियम में जा सकते हैं, सैडल पीक में जा सकते हैं, भरतपुर बीच पे जा सकते हैं, लक्ष्मणपुर बीच, सीतापुर बीच, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। देख लेना आप, मतलब मैं हाँ क्या नाम बोलते बोलते इतनी सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो अगर आपको अपने लिए बुकिंग करनी है तो आप उस लिंक पर जाके अपने लिए बिना आपको झंझट के वो बुक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी होगी, आपको ही फ़ायदा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी सारे लोगों को दिल में आता है, ये और दिमाग में भी, ऑफकोर्स सलमान खान तो है नहीं जो दिल में आएंगे, दिमाग में नहीं सवाल आएगा, सवाल ये है कि आप क्या अंडमान निकोबार आइलैंड अकेले जा सकते हैं या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? हाँ आप जा सकते हैं, फिर सिर्फ जाने से मतलब नहीं है, क्योंकि देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको 4-5 दिन भी शायद कम पड़ जाएंगे इसको देखने के लिए, इसलिए मैंने आपको शायद इतना कुछ ढंग से नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें हैं 4-5 दिन के अंदर क्या क्या देख लेंगे, और वो एक नॉर्मल इंडियन सिटी तो है नहीं जहाँ पे आपको बस टैक्सी उबर ले लेंगे, फेरीज़ में जाना होता है, बोट्स में जाना होता है, जिसके लिए आप और मैं हैबिचुअल नहीं है। अगर आप एक फैमिली के साथ जा रहे हैं तो किसी एक या दो बंदे को सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, होटल बुकिंग करेगा कि प्राइस के लिए झिकझिक करेगा यहाँ वहाँ, ऑटो रिक्शा के लिए, बस के लिए, जिस क्योंकि आप और मुझे ये सब प्राइसेस पता नहीं है अंडमान निकोबार में कैसे नॉर्मली क्या प्राइसेस होता है। तो अगर आप जाते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टूर बुक कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में टूर्स की लिंक डाल दूँगा, आप उन टूर को जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्राइजेस नॉर्मल प्राइजेस से इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। अब टूर बुक करने में ये होगा कि वहाँ पर आपको गाइड्स मिलेंगे, फेरीज का टाइमिंग आपको कुछ झंझट नहीं होगा पता करने के लिए, आपको फेरीज के लिए कब निकलना है कब नहीं निकलना है। अगर आप कभी जाते हैं वहाँ पर बारिश हो रही है, फेरीज नहीं चलेंगी, तो मान लीजिए इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो उन लोगों को पता होता है कि कैसे कैसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान बन जाती है। और अगर आप उन लोगों में से जो सोच रहे हैं कि अगर मैं लूँगा तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, आप क्या मैक्सिमम 1-2 हज़ार रुपये बचा लेंगे, वो बचा के क्या करेंगे अगर आप इतनी तकलीफ़ में घूमेंगे तो? हाँ अगर आप 15-20 लोगों के ग्रुप में एक साथ जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। जैसे कि आपने हैवलॉक आइलैंड पे होटल के प्राइजेस देखे कितने ज़्यादा हैं, अगर आप 3-4 लोग दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। यही अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, 4 लोगों की आपने अगर एक ट्रिप बुक कर ली, एक पूरा टूर बुक कर लिया, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा बजाय खुद की जाने की वजह से। तो इस बात का एक बार ध्यान रखें कि अंडमान निकोबार आइलैंड जाने के लिए आप अपने लिए टूर बुक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, 3-4 अलग अलग टाइप के डाल दूंगा, आप खुद भी yatra.com मेक माई ट्रिप पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ रहा है एक जगह के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें और इस बात को कंसिडर करें कि एक बार कि आपको टूर बुक करना है या नहीं करना है। अब मैं चाहता तो मैं पहले वीडियो शुरुआत होते ही बोल सकता था कि आपको टूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ आएगी, बट नहीं, मैं आपको एक बार समझाना चाहता था कि फ़्लाइट के लिए आपको कितना देना होगा, होटल के लिए कितना देना होगा, फिर खाने पीने का खर्चा भी अलग है, और हर जगह पर जाना आपको फेरीज लेनी पड़ेंगी, तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसके लिए आप अगर टूर बुक कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारा सस्ता पड़ेगा और काफ़ी आराम होगा, आपको सिर दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप वेकेशन पर जाते हैं पूरी अपने हेडेक मिटाने के लिए, ना कि हेडेक लेने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपकी हेल्प हुई हो इस चीज़ से, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, शायद मैं आपकी समस्या को मिटा सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।